नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम कुंडली को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वक्री ग्रह हमारी कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं। पहले मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें आप लोगों को बताया कि अस्त ग्रह हमारी जिंदगी के अंदर किस तरीके से फल को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये आपको मैंने अस्त ग्रह किस कौन सा ग्रह कहाँ किस भाव पे अस्त होता है उसके बारे में एक वीडियो पहले आपको बनाया है। आज हम बात करते हैं कि अगर वक्री ग्रह होता है, कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो वो जिंदगी में कुंडली में अगर वक्री दिख रहा है तो उसका क्या फल होता है। वैसे तो ब्रह्मांड के अंदर वक्री ग्रह जब वो एक्सिस अपनी जो अपनी परिक्रमा कर रहा होता है तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो लौट रहा है, ऐसा होता नहीं है, पर उसका प्रभाव हमें कुंडलियों में देखने को मिला है। क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरी अपनी कुंडली को 12 भावों में बांटते हैं, जहां हमारे 27 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्रों में वो जिस भी भाव पर वो ग्रह वक्री बनता है उसका फल वो अपने से 12वें का भी फल हमें देकर चलता है। अगर कोई ग्रह लगन के अंदर वक्री होता है तो वो अपने से पीछे यानी 12वें भाव का भी फल देके चलेगा, और सप्तम में अगर कोई ग्रह वक्री है तो वो 6ठे भाव का भी फल लेकर चलेगा। इसी तरीके से अगर नवम भाव के अंदर कोई भी ग्रह वक्री है तो वो अपने से अष्टम का भी फल लेके चलेगा। अगर केंद्र में कहीं होता है, त्रियक भाव में होता है, तो वो अपने से अगर पंचम में है तो चतुर्थ भाव पर भी का भी फल लेके चलेगा। इसलिए वक्री ग्रह ज्यादातर अच्छा फल दे जाते हैं। अगर वो केंद्र में कहीं है तो उसका फल मिल जाता है। अगर वो केंद्र में सप्तम में लगन में है तो वहां पर वो अपने से 6ठे और 12वें का फल लेकर भी चलते हैं। जब हम कुंडलियां देखते हैं और हम देखते हैं कि एक से अधिक ग्रह वक्री आ रहे हैं तो उनका फल हमें किस बड़ी सावधानी के साथ देना पड़ता है कि वक्री ग्रह उस व्यक्ति की जिंदगी में किस किस तरीके के फल को उदय करेगा, यानी किस भाव को वो एक्टिव कर रहा है। अब आप मानिए कि हमारे 9 ग्रह राहु केतु को मिलाकर, जिसमें चंद्रमा और सूर्य वक्री होते ही नहीं है, राहु और केतु वक्री ही चलते हैं, वो कभी मार्गी नहीं होते। अब बच गए हमारे अगर 9 में से 4 निकाल दिए तो 5 ग्रह बच गए। पांचों ग्रहों का वक्री होने का फल अपना अलग अलग होता है। ग्रहों के स्वभाव को अगर हम जानते हैं कि मंगल ग्रह अगर वक्री होगा तो वो क्या फल देगा। अगर मंगल ग्रह वक्री हो गया, क्योंकि वो एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, अग्रेशन है उसके ग्रह के अंदर, और वो क्रोधी है, और चोट एक्सीडेंटल का कारक है, अगर वो वक्री होगा और अगर वो सप्तम में हुआ है तो 6ठे का फल भी देगा, और अगर वो नवम भाव में वक्री हुआ है तो वो अष्टम का फल भी देगा, और अगर वो लगन में है तो वो 12वें का फल भी देगा। तो हमें इन सब चीजों के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर मंगल वक्री हुआ है तो ये चीजें भी साथ साथ एक्टिव होंगी। इसी तरीके से अगर वो बुध ग्रह वक्री होता है तो वो क्या फल देगा, और ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि वक्री ग्रह जब भी हमने कुंडली के अंदर देखा है कि वो अष्टम का भाव का फल दे रहा है या कुछ कर रहा है तो वो अपने जब प्रभावशाली प्रभाव देगा तो वो बहुत अच्छे यानी 3 गुना फल बढ़ाकर देगा, और अगर बुरा करने पे आएगा तो 3 गुना नुकसान भी वो करके जाएगा। तो कुंडली के अंदर अगर वक्री ग्रह होता है तो इसका स्थान बहुत अहमियत रखता है कि वो लगन में वक्री हुआ है या द्वितीय भाव पर हुआ है या तृतीय पे हुआ है, चतुर्थ भाव पे, पंचम में, 6ठे पे, क्योंकि वो अपने से 12वें भाव का प्रभाव भी लेकर चलेगा। तो वक्री ग्रह को जब हम फलादेश करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए कि वो अपने से 12वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है और उसका फल भी देकर चलेगा। जैसा कि मैंने मंगल के बारे में आपको बताया कि इसका क्या प्रभाव रहेगा, जब ग्रह लगन के अंदर वक्री हो रहा है तो वो 12वें भाव का यानी कि आपको चोट एक्सीडेंट दुर्घटना जेल 12वें भाव से संबंधित आपको प्रभाव देगा, क्रोधी स्वभाव आपका बनाएगा। तो इससे संबंधित हमें मंगल से संबंधित दान भी साथ साथ करके चलना पड़ेगा, नग बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। पर अगर द्वितीय भाव में है और वो अगर लगन का भी फल दे रहा है और मेष लगन है या अपने ही भाव को एक्टिव कर रहा है तो वहां हम इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं कि हम यहाँ पर ब्राइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं। पर अगर वो 12वें का फल भी दे रहा है तो हमें रेड कलर के कपड़े अवॉइड करने पड़ेंगे। लगन में अपनी ही राशि के अंदर बैठने के बावजूद वो 12वें का भाव का भी फल देगा, इसलिए हमें उससे अवॉइड करना पड़ेगा।
इसी तरीके से हमें सभी ग्रहों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक करके मैं आपको सभी ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगी कि अगर मंगल ग्रह वक्री है तो ये क्या प्रभाव दे रहा है। वक्री मंगल अगर 6-8 बारे में जाएगा तो क्या प्रभाव दे रहा है, क्योंकि अगर 6-8 भाव में चला गया तो जिद्दी बनेगा व्यक्ति, अड़ियल बनेगा और अपनी जिद के कारण वो नुकसान भी उठाएगा, क्योंकि वो एक बार में एक बार नहीं तीन बार वो चीजें रिपीट होती है, यानी 3 गुना फल बढ़ जाता है वक्री होने से। अगर अच्छा फल देगा तो वो अच्छा ही फल देगा, यानी कि वो कहीं पर भी अपना अपमान अगर उसको होता है तो वो उस बात को फील करके बैठ जाएगा और जब तक कि उसे बदला नहीं लेगा तब तक उसे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। अगर मंगल वक्री है लगन में या सप्तम में तो वो 6ठे का भाव का या 9वें में, यानी ये ऐसे भाव हैं जहां से सीधा हमारा अपने से संबंध बनेगा। लगन से लगन में है तो वो खुद है और सप्तम में बैठा है तो लगन को भी देख रहा है, नवम में बैठता है तो अष्टम यानी कि आयु के लिए भी ये थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। तो वक्री ग्रह का प्रेडिक्शन करते वक्त ध्यान दीजिए कि हम किस तरीके से वक्री ग्रह की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आगे इसी श्रृंखला को भी बढ़ा सकते हैं अगर आपकी लोगों की डिमांड रही तो, नहीं तो अगला विषय लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।